नमस्कार, मैं हूं मयंक सक्सेना। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। अपने अधिकार सरपंच को दिए जाने के विरोध में सचिव संघ ने किया प्रदर्शन। अपने अधिकार सरपंच को दिए जाने के विरोध में सचिव संघ हुआ लामबंद। एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल, गोपनीय प्रतिवेदन पर सरपंच की अनुमति लेने को बाध्य होंगे। सचिव ने कहा, गलत काम करने को दबाव बनाएंगे इस आदेश से सरपंच। खबर मध्य प्रदेश के बैतूल में सचिव और सहायक सचिव संघ ने अपने अधिकारों को छीनने के विरोध में एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल कर आदेश वापस लेने की मांग की है। सचिवों का कहना है कि गोपनीय प्रतिवेदन पर सरपंच की अनुमति लिए जाने के लिए बाध्य होंगे। सचिव इसका फायदा उठाएंगे, सरपंच गलत काम के लिए बनाएंगे दबाव। इस आदेश को वापस लेने और सचिवों के अधिकार उन्हें वापस दिए जाने के मांग को लेकर रैली निकालकर जिला कलेक्टर ज्ञापन सौंपकर आदेश को वापस लेने की मांग की है। सचिव संघ के पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि विभिन्न समाचार माध्यमों के द्वारा ज्ञात हुआ है कि मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत सचिवों और ग्राम रोजगार सहायकों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन लिखने के अधिकार ग्राम पंचायत के सरपंचों को प्रदान किए जा रहे हैं। इस खबर से पूरे प्रदेश में ग्राम पंचायत सचिवों और ग्राम रोजगार सहायकों में खेद सहित रोष का माहौल व्याप्त हो गया है। ग्राम पंचायतों में प्रशासनिक रूप से सचिव और ग्राम रोजगार सहायक शासन की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को निस्वार्थ बिना किसी के दबाव में आए आम जनमानस तक पहुंचाते हैं। ऐसे में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा उठाए जा रहे इस कदम से पंचायत सचिवों और ग्राम रोजगार सहायकों के द्वारा नियोगों के तहत किए जाने वाले विभिन्न कार्य दबाव में आकर प्रभावित हो सकते हैं। यही नहीं, गोपनीय प्रतिवेदन सरपंचों के द्वारा लिखे जाने से मध्य प्रदेश की बहुतायत ग्राम पंचायतों में विवाद की स्थिति बन सकती है। उपरोक्त कारणों से यह आवश्यक है कि ग्राम पंचायत सचिवों और ग्राम रोजगार सहायकों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन पुनर्तः शासकीय कृत होकर पंचायत सचिवों के ACR में प्रथम मत पंचायत समन्वय अधिकारी अथवा खंड पंचायत अधिकारी के द्वारा दर्ज किया जाए एवं समीक्षाकर्ता अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को तथा स्वीकृतकर्ता अधिकारी जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को बनाया जाना चाहिए तथा ग्राम रोजगार सहायकों के लिए मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद के पत्र क्रमांक 2677 दिनांक 15 अप्रैल 2017 के अनुसार वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन हेतु नियत अधिकारी पूर्ववत मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को ही रखा जाना चाहिए। बैतूल से जिला ब्यूरो चीफ मोहन प्रजापति की रिपोर्ट। लक्ष्मी चंद अमरुते, पंचायत सचिव संगठन जिला अध्यक्ष बैतूल। आज क्या कारण है? आज का विशेष कारण ये है, पूरे हमारे मध्य प्रदेश में पंचायत सचिव संगठन एवं ग्राम रोजगार सहायक संगठन का प्रदेश स्तरीय संयुक्त मोर्चा की एक दिवसीय हड़ताल का यहाँ कार्यक्रम हुआ। जो शासन ने आदेश किया है कि रोजगार सहायक और पंचायत सचिव संगठन सचिव के गोपनीय प्रतिवेदन पे सरपंच महोदय के हस्ताक्षर होंगे, गोपनीय प्रतिवेदन सरपंच लिखेगा, इसका पूरे मध्य प्रदेश में हम विरोध कर रहे हैं। ये बैतूल हम ज्ञापन देंगे, एक दिवस का हमने शासकीय अवकाश लिया है, इस पे अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम सामूहिक रूप से और आगे भी लड़ाई जारी रखेंगे, हड़ताल करेंगे, निवेदन करेंगे और विरोध करेंगे। क्या कारण है कि आप इसका विरोध कर रहे हैं, जब ये तो पारदर्शिता हो सकती है ना? हाँ, आप बहुत सही बात बोल रहे हैं, पर मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि सभी लोगों के आचार विचार एक जैसे नहीं मिल पाते हैं। ये विभिन्न ग्रामीण क्षेत्र में एक बहुत बड़ी विषम परिस्थिति बनती है। अगर मान लो सरपंच महोदय अगर कहीं कहे कि गलत काम कराए या राशि का दुरुपयोग के लिए अगर कहे, बिना काम के पैसे हरण करने का कहे, तो वहां हमें झुकना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारी कलम कहाँ फंसी रहती है, उसके गोपनीय चरित्र की लिखने के लिए वो प्रतिवेदन के तरफ हमारा ध्यान जाएगा, तो हम वो चीज ना करना चाहे
इसलिए हम यहाँ इसका विरोध कर रहे हैं। इसकी तो शिकायत भी कर सकते हो आप अगर गलत काम करने के लिए आपको जब शिकायत। हाँ भाई साहब बिल्कुल शिकायत, बहुत सही बात। शिकायत करेंगे तो भी तो साइन हमारे गोपनीय प्रतिवेदन पे उन्हीं की होंगी। तो हाँ या तो हम इधर से धोखा खाएंगे या तो उधर से खाएंगे। नौकरी हमारी दांव पे उधर लगेगी या तो इधर लगेगी। तो सरकार ने आदेश निकाला है वो गलत है, अधिकारियों को कुल मिला के जो शासन स्तर से आदेश हुआ है हमारा अधिकारी जो है ब्लॉक स्तर पे मुख्य कार्यपालन अधिकारी और एक जिला पंचायत सीओ के हमारे विभाग का जो है हमारे प्रतिवेदन पे आदेश निर्देश और गोपनीय हमारा जो प्रतिवेदन होता उसको संचालित करने का या साइन करने का अधिकार उनको हाँ और रहना चाहिए। यह हमारा मेन मुख्य उद्देश्य। मैं दयाराम नारे जिला अध्यक्ष ग्राम रोजगार सहायक सचिव संगठन बैतूल से हूँ। हमने आज संयुक्त रूप से जो पंचायत महोदय पंचायत मंत्री के महोदय माध्यम से जो हमें सूचना प्राप्त हुई है हम उसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो गोपनीय प्रतिवेदन उस पे सरपंच महोदय के महोदय को अधिकार दिए जा रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा और पंचायत सचिव और जीआरएस कहीं ना कहीं दबाव में काम करेंगे और इससे हो सकता है कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिले। अगर हमारी यह मांग पूरी नहीं होती है तो हम संयुक्त रूप से एक बड़े आंदोलन के रूप में अग्रसर होंगे जिसका सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी।